नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ जो ये है, ये वाला पेड़ देख रहे हैं, ये चकोतरा का पेड़ है। पोमेला पेमेलो या पोमेला जो फ्रूट है, इसका फ्रूट जो बहुत बड़ा होता है, तो ये यहाँ पर लगाने की मैं लगा रहा था। तो उस ये आप यहाँ देखेंगे, ये पपीता का मेल प्लांट था। तो यहाँ इस पर तो पपीते आने ही नहीं थे, सिर्फ फूल फूल आ रहे थे, तो मैंने ये उखाड़ दिया। उखाड़ते हैं इसको, मतलब पाड़ इसके इसको जो ये पैकेट है, कट्टा जो है, इसको फाड़ते हैं, इसके जोड़ से फाड़ते हैं यहाँ से। तो इसको जो है ऐसे हम, आप ये देखिए, इसको अलग कर देंगे। और ये देखिए चिकनी मिट्टी है ये, तो ये चिकनी मिट्टी जो है इसकी निकाल देंगे। ये देखिए, ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है जड़ें मैंने सारी निकट कर दी हैं, पूरी जड़ निकाल दी है, और अब इसको जड़ फैलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए मैंने जो है ये सारी मिट्टी जो चिकनी थी वो सारी निकाल दी है। अब इसको हम लगाएंगे। ये देखिए ग्राफ्टेड है ये, अब ये देख रहे हैं, अब इसको जो ग्राफ्ट है इसको काट देंगे। सॉरी, ये जो लकड़ी सी जो निकल रही है ये वाली, इसको काट देंगे ऐसी। और ये ग्राफ्ट लगी हुई है, देखिए ये वाली जो है ये ग्राफ्ट है, और यहाँ से जो ग्राफ्टेड नया वाला प्लांट निकल रहा है, तो इसको भी काट देंगे यहाँ से, और इसको ऊपर चलने देंगे। अब ये बिल्कुल सीधा हो गया है, देखिए बिल्कुल सीधा हो गया है, सीधा हो गया। और अब इसको लगा देंगे, थोड़ा सा गद्दा जो है ठीक है, बिल्कुल ज़्यादा गहरा नहीं करेंगे क्योंकि ग्राफ्ट है, तो ग्राफ्ट को हमें बचा के रखनी है। ये पपीते की जड़ है जो मैंने वो पपीता निकाला है। इसको ऐसे लगा देंगे। ये देखिए, अब इसकी चारों तरफ जो है मिट्टी ऐसे दबा देंगे। हमें जो ये ग्राफ्ट है इस, ये जो यहाँ से ये वाला जो पार्ट है इसको ऊपर रखना है, ये नीचे नहीं जाना चाहिए, ये मिट्टी में दबना नहीं चाहिए, नहीं तो जो है ग्राफ्ट खराब हो जाता है, पेड़ खराब हो जाएगा। तो इसको हमें जो है नीचे नीचे ही रखना है, इससे मिट्टी नीचे नीचे रखनी है, नहीं तो जो हमारा जो पेड़ है, जो ग्राफ्ट हमने जो लगाया है वो खराब हो जाएगा। पानी मैं अभी नहीं दूंगा इसमें, और ना मैंने अभी इसमें गोबर का खाद डाला है, अभी
बिना गोबर के खाद के मैं लगा रहा हूँ, और आप इसे, मेरा एक और प्लांट है, मैं उसकी अभी इसको इसके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने अभी इसमें जो है लगाया है, तो इसको इसमें मैंने ना अभी कोई गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट या पानी कुछ नहीं डाला है अभी इसमें, या और किसी तरह का कोई खाद इसमें अभी कुछ नहीं डाला है, अभी सिर्फ लगाया है। और मिट्टी देखिए सीली है थोड़ी अभी, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी सी बारिश हुई थी, तो ज़्यादा सूखी नहीं है मिट्टी, गीली है, नमी है मिट्टी में। तो आज के दिन मैं इसको जो है इसको इसमें लगा रहने दूंगा, और कल इसमें जो है दो तीन तरह के डालूंगा लिक्विड। एक तो दीमक की दवाई डालूंगा इसमें, थोड़ा सा आसपास खोद के और उसमें जो है दीमक की दवाई को पानी में मिला के वो मैं इसमें डालूंगा। उसके बाद हफ्ते बाद या 10 दिन बाद तब इसमें जो है यहाँ से 5-6 इंच छोड़ के दूर दूर से या थोड़ा पास से इसके के पास गोबर का खाद जो मेरे पास अवेलेबल है वो मैं डालूंगा। क्योंकि उसके बाद मेरे पास जो है केंचुए का खाद, अगर आपके पास है तो केंचुए का खाद डाल दीजिए, अगर आपके पास गाय का गोबर नहीं है तो केंचुए का खाद, जो हम जो वर्मी कंपोस्ट जिसे कहते हैं, वो डाल दीजिए। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको खाद आपके पास अवेलेबल है वो डाल दीजिए। और बहुत ही अच्छा फ्रूट है, बहुत ही अच्छा प्लांट है, इजीली ग्रो हो जाता है, ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी इसके साथ। और जब इसका फल खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगता है वो फल, तो लगाइएगा ज़रूर। और इजीली मिल जाएगा, किसी भी नर्सरी में जाएंगे तो उनको बोल दीजिएगा कि चकोतरा जो बोलते हैं, चकोतरा का पेड़ हमें दे दीजिए। तो आप अपने घर पे टेरेस गार्डन में भी लगा सकते हैं, लेकिन बशर्ते इस पे गमला जो है वो बड़ा होना चाहिए, कम से कम 20 इंच का गमला हो तो ही उसमें लगाएं। और इसकी ये बात ज़रूर मानिएगा, गमले में अगर लगा रहे हैं तो इसकी जो जड़ों की कटाई छटाई है हर 1.5 से 2 साल के बीच में आपको करनी ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि ये बड़ा होता है, जड़ें बहुत जाती हैं इसमें। तो गमले से निकाल के आप उसको जो है रूट्स की प्रूनिंग आपको ज़रूर करनी पड़ेगी, वो ज़रूरी है। तो दोस्तों ये अपडेट था। चलिए मैं अब आपको अपना जो बड़ा वाला जो पेड़ है उसको, उसके बारे में आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये वो मेरा चकोत मैं आपको बता रहा था, अब ये देखिए कितना बड़ा है, ये देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक इसकी जो है हाइट, करीब करीब अगर मैं ये टहनियाँ जो इसकी मुड़ी हुई हैं अगर इनको सीधा कर दूँ तो ये मानिए कि 10 फुट के आसपास इसकी हाइट होगी। और 2 साल का ये पेड़ हो गया है, और आपको इसका फल दिखाऊं मैं, हो सकता है वीडियो में आपको इतना बड़ा दिखाई ना दे, लेकिन अगर मैं, ये इतना बड़ा फ्रूट है, अगर मैं इसको दोनों हाथों से अगर दबाऊं भैया से, ये देखिए, तो भी मैं अगर नीचे से उंगली टच कर लूं तो भी मेरा जो है अंगूठा मिल नहीं रहे हैं। ये देखिए अभी भी 4 उंगल के आसपास जो है इसमें गैप है, और करीब करीब आप ये मान लीजिए अभी जो इसका वज़न है वो होगा करीब करीब 1.5 किलो के आसपास का, 1.5 किलो का वज़न होगा इसमें। और इसकी वजह से देखिए ये डाली जो है ये झुक गई है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये इसका पहला फ्रूट है। इसमें 3 फूल आए थे, इसकी वीडियो भी मेरे पास चैनल पर रखी हुई है, चैनल पे है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, डाल दूंगा ऊपर आई बटन में, आपको मिल जाएगी। चकोतरा पोमेलो फ्रूट कहते हैं इसको, खट्टा मीठा सा होता है, बहुत अच्छा फ्रूट होता है, विटामिन सी और फाइबर से भरपूर होती है, बहुत अच्छा फ्रूट होता है, खट्टा मीठा सा, थोड़ा मीठा मीठा सा होगा। अभी जैसे ये हरा है, अभी कच्चा है, पका नहीं है अभी,
अभी ये जो है पीला हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आप समझ लीजिए कि भी ये पक गया है। तो अभी ये मान के चलिए अभी से एक महीना और लगेगा पकने में, और हो सकता है ज़्यादा भी लगे। तो बहुत अच्छा फ्रूट है ये, बहुत अच्छा प्लांट है। आप लगा सकते हैं अपने गमले में भी, लगा सकते हैं अपने जो आपका कम से कम, आप ये देखिए इतना बड़ा गमला चाहिए आपको, ये कम से कम 20 इंच का गमला है, ये 20 इंच गमला आपको कम से कम चाहिए इसमें लगाने के लिए। और उसके बाद भी आपको हर साल 1.5 साल में इसकी जो है रूट्स की प्रूनिंग करनी पड़ेगी निकाल के इसे गमले से हर, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ये फैलता है, बड़ा होता है। आप ये देखिए, तो आप जो है इसको ऐसे लगा सकते हैं अपने इसमें। और सिट्रस फ्रूट या फैमिली का ये प्लांट है, आप बिल्कुल लगा सकते हैं इसको, ये देखिए। तो ये एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।